विराजमान है दिन भर की खबरों के साथ। आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। प्राप्त समाचार के अनुसार थाना खतोली पर किन्नरों ने हंगामा किया, जहां अपने साथी किन्नर पर अन्य डेरे के किन्नरों द्वारा जहर देने का आरोप लगाया, जिसमें हीना और अबरार किन्नर ने बताया कि उनके गुरु विमला को डेरे में रहने वाली अन्य किन्नरों ने खाने में कुछ जहरीला पदार्थ खिला दिया है, जिससे गुरु विमला की हालत बहुत खराब है। उन्होंने अन्य किन्नर डेरे पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गुरु की हालत बहुत गंभीर है। हीना किन्नर ने थाने में तहरीर देकर अन्य किन्नर डेरे पर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। मैं थाने आई हूँ, हीना नायक भूड़ वाली, मेरे गुरु को विमला गुरु को जहर दिया गया है और इसी बाबत में मैंने इनके नाम की जन्मों की तहरीर दी है। कल के दिन आज मेरे गुरु को जहर दिया गया है, कार्रवाई हो रही है। कल के दिन कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार पक्के जनाने होंगे, जिनको जो मेरे गुरु के धोरे रह रहे हैं, जिनके पास मेरा गुरु रह रहा है। क्या नाम है आपका? रहीश नाम है जी मेरा। रुपए दे मिला। क्या परेशानी है? रहीश किन्नर, मुझे इन खतौली के किन्नर में 2017 में मेरा लिंग परिवर्तन करवाया था। मेरे चार बच्चे थे, मुझे धमकी देते थे अगर तन्ने ये बात खोली तो तेरे बच्चों को मरवा देंगे। तो मैं इसीलिए इनके साथ झोली ठाता हूँ, मांगता खाता हूँ, अपने बच्चों में जाता हूँ। अब मुझे तो गुरु के मरने के बाद धन्नों के मुझे इन्होंने लावारिस कर रखा, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे वीरान हो गए, मेरे बच्चों का नाम लिखवा दिया रतनपुरी थाने में इन्होंने। अब क्या परेशानी है? अब ये परेशानी, मुझे घर पे बुलाया, गोश्त रोटी बनाई इन्होंने, मैं झूठ नहीं बोलने, गोश्त में कोई दाल सब्जी गेरी, मेरा आगे लाए, मैंने दो टुकड़े खाए तो मैं बेहोश हो गया। अब डॉक्टर रिपोर्ट कराओ मेरी, उसमें जहर आवे या नहीं आता, अगर जहर नहीं आता तो मैं सजावार हूँ। पांच उल्टी हुई है और 9 गोली खिला रखी है। गोश्त 12:30 बजे की बात है सर, खाने में खिलाया, हमारे गुरु बेहोश हो गए, दो टुकड़े खाए, बेहोश हो गए। हमारे गुरु ने हमारे को फोन करा, हम लिया, हम आए। ये मेरे चेले भूल के रहते हैं, अबरार नाम है, ये अपने चेले को लेकर जो मैंने फोन करा, मेरी हालत खराब है, तो ये मुझे उठा कर आए। फिर हमने डॉक्टर चौक वाला में से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं बोल रही हूँ हीना नायक खतौली से टेढ़ी से, आज मेरी गुरु को ढाकन चौक में जहर दिया गया है डेरे के अंदर। मेरी गुरु मेरे से गुस्सा नाराज होकर साल भर से मेरे से चली गई थी, डेरे में रह रही थी, और तो आज मेरी गुरु को जहर दिया गया है। मैं इस वजह से प्रशासन के पास थाने में आई हूँ और इनसे दुहाई करी, तो ये बोल रहे हैं अभी तक कोई चिट नहीं काटी, कुछ नहीं, शहर के सारे डॉक्टरों के पास लेकर घूम ली हूँ, शहर का कोई भी डॉक्टर सुन ये कह रहा है पहले आप प्रशासन को साथ लेकर आइए, जब इन्हें हम भर्ती करेंगे, एडमिट करेंगे, और प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अपने इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, बोले पहले आप वहाँ ले जाइए, वहाँ ले जाइए, 3 डॉक्टरों के ले जा सकती हूँ जी, और क्योंकि दूसरी पार्टी जो है तो वो बहुत मजबूत है पैसे से हर कहीं से, तो उसके आगे उधर से फोन करा दिया, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं उन्हें, अभी मैं भिजवा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे थाने पर खड़े हुए, क्या है मेरी गुरु का तबीयत बिगड़ती जा रही है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनकी हालत देखो, उनकी हालत देखो।